रुके 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 रुके, कहाँ जा रहे हैं रॉन्ग वे से? कहाँ जाएंगे भैया? सही आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पल इसे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भैया? गजब का चार लोडिंग है, देखिए यहाँ पे चार लोडिंग बैठा हुआ है। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। और घर जा रहे, कितना ऐसे क्या बात कर रहे हो भाई? घर जा रहे हैं और कहाँ? चार लोडिंग बैठे हुए हो और यहाँ पे उल्टा रास्ता से? नहीं नहीं, गर्मी में कहाँ? देखिए आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए अभी मेरी मौजूदगी गांधी मैदान के पास है, जहां जो ये रूट है वो महेंद्रू चला जाता है। लेकिन देखिए आम जो जनता हैं उनको परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जो मेट्रो का निर्माण हो रहा है उसके कारण जो रूट का डाइवर्जन है वो बदल दिया गया, और उसके कारण ही जो लोगों को परेशानियों का मूल रूप से सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो नियमों को ताक पर रखते हुए जो लोग जा रहे हैं, इसी रास्ते से मैं गुजर रहा था तो सोचा कि उन लोगों से बातचीत कर लूं कि आखिर क्यों नियमों को ताक पर रख रहे हैं और रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। और अगर आप रॉन्ग साइड से जाते हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और इस रॉन्ग साइड से आप क्यों जा रहे हैं, और जो रूट आपका वो है उधर से आपको जाना चाहिए, भले ही जाम लगा हुआ है, सब लोग रुके हुए हैं, आप क्यों नहीं रुक सकते? आपको हम सुनवाते हैं। रुके 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 रुके, स्टार्ट कीजिए। कहाँ जा रहे हैं रॉन्ग वे? रॉन्ग वे से? रॉन्ग वे में ही पूरा जाम है, सही चल रहा है। मैं तो रॉन्ग वे भी जाइए। हाँ सही चल रहा है। अंकल रॉन्ग वे में कहाँ जा रहे हैं? घर है बगल में। क्यों ये उल्टा रास्ता से क्यों जा रहे हैं? इतना ज्यादा जाम है, छोटा बच्चा धूप में जा रहा है ना, छोटा बच्चा कितना धूप में रहेगा? छोटा बच्चा धूप में रहेगा इसीलिए जा रहे हैं रॉन्ग वे से। देखिए ये है लोग कह रहा है छोटा बच्चा कितना धूप में रहेगा इसीलिए हम रॉन्ग वे से जा रहे हैं। वहाँ जो लोग खड़ा है उन लोगों को नहीं दिख रहा है, वो लोग भी वहीं पे खड़े हैं, वो लोग भी सही रास्ते से जा रहे हैं, और उन लोगों को देखिए वो लोग भी जाम से जा रहे हैं, वो लोग भी धीरे धीरे ही जा रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पे यहाँ उल्टा जा रहे हैं, ऊपर से थेथरलॉजी भी कर रहे हैं कि छोटा बच्चा इसीलिए हम उल्टा जा रहे हैं। और लोगों से ज़रा बातचीत करते हैं भाई कि कहाँ उल्टा लोग जा रहा है। प्रेस लिखा हुआ है भैया आपका यहाँ पे, आप रॉन्ग वे से चल रहे हैं क्यों? इसलिए ट्रैफिक लगा हुआ है। क्यों तो आप क्यों चल रहे हैं रॉन्ग वे से? देखिए यहाँ पे और लोग भी रॉन्ग वे नहीं जा रहा, मेरा रास्ता जो है यही बाकरगंज में है, लेकिन वहाँ से आगे से और आगे से जो है रास्ता जाम है। तो आपका प्रेस लिखे हैं आप, और आप ऐसे उल्टा चलिएगा तो आप फिर किससे पूछिएगा? असल में जो है बच्चा लिए हुए पीछे, बच्चा और चलो बच्चे वहाँ, और बच्चे जो है धूप में जो है वहाँ भी जा रहे हैं। हाँ वहाँ भी जा रहे हैं ना बच्चे? हाँ, तो आपका बच्चा बच्चा है, वहाँ बच्चा बच्चा नहीं है? नहीं वो सब मानते हैं, लेकिन आप मुझे कैसे जाएंगे वहाँ? तो मुझे कट नहीं मिलेगा, मुड़ सकते हैं आप, वहाँ से वहीं से गाड़ी मुड़ा है, वहाँ से नहीं मिल सकेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा गाड़ी, नहीं मिलेगा, आप उल्टा जा रहे हैं। अगर आपके चलते कोई दुर्घटना होती है तो? नहीं दुर्घटना के लिए मैं तो साइड साइड से जा रहा हूँ, साइड साइड से जा रहे हैं, साइड साइड। चलिए बहुत बढ़िया भाई, देखिए यहाँ के जो लोग हैं, देखिए ये ट्रिपल, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भैया? गजब का चार लोडिंग है, देखिए यहाँ पे चार लोडिंग बैठा हुआ है। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। और क्यों घर जा रहे हो? कितना ऐसे क्या बात कर रहे हो भाई? घर जा रहे हैं और कहाँ? चार लोडिंग बैठे हुए हो और यहाँ पे उल्टा रास्ता से? नहीं नहीं, गर्मी में कहाँ? देखिए ये लोग है यहाँ पे पटना की सड़कों पे, शिक्षक तो शिक्षक, प्रेस वाले तो प्रेस वाले, और ये लोग भी उल्टा ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अंकल ये भी मिल गए भाई, अंकल रॉन्ग वे में आप जा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, जाइए पेट्रोल भरवाइए फिर जाइए। हाँ बताइए, ये रॉन्ग वे से जाना तो ज़रूरी है, धूप धूप है, देखिए जो रास्ता बना वन वे बना हुआ है, अब देखिए कॉन्वेंट के पास पानी जाम है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, अब जाहिर है जो रोड बन रहा है। बात बताइए, हाँ। आप तो जा ही रहे रॉन्ग वे में, उतने लोग भी तो फंसे हुए हैं ना? नहीं तो उस रास्ते में फंसे हुए हम लोग, उसी रास्ते से जाते हैं हम, कोई गलत रास्ते से नहीं जाते हैं, हम खुद प्रेस वाले हैं और हम लोग कानून बनाना पर निगाह रखते हैं और हम कानून तोड़ देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रेस वाले मिले हैं जो कानून तोड़ते हुए नजर? नहीं नहीं, हम लोग उसमें नहीं है, बस तेल भरवाएंगे और सीधे जो है यहाँ से घूस से अंदर से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं, हम लोग कानून के रक्षक है, भक्षक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए और जो लोग हैं आपको दिखा है किस प्रकार से जो चार लोग बैठा के वो जो स्टूडेंट हैं स्कूल के वो जा रहे हैं, और अगर पुलिस पकड़ती है तो वो लोग बात बनाते हुए नजर आते हैं और लोगों से आपको मिलवाते। देखिए उधर वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, और इधर से अगर रॉन्ग वे में अगर कोई जाता है, अगर फिर कुछ अनहोनी होती है, फिर कुछ दुर्घटना होती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार तो सरकार नहीं होगा। इनको देखिए यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं रॉन्ग वे? तो पेट्रोल लेंगे तो यहाँ से आप जा सकते थे ना, इधर से घुमाएंगे, यही घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे थे 360। इनको देखिए पेट्रोल लेने जा रहे थे तो यहाँ से नहीं घुमाए, वहाँ से घुमा रहे हैं ये। देखिए पटना की सड़कों पे ना ऐसे लोगों से आपको मिलवाता हूँ मैं, और अभी फिर से मिलवाऊंगा, और भी लोग यहाँ पे काफ़ी दिखेंगे रॉन्ग वे जाते, क्योंकि उनको काफ़ी जल्दीबाजी है घर जाने की और उन्हें जाना जरूरी है भाई। क्यों? क्योंकि धूप है। अब यहाँ से और भी लोग गुजरेंगे ही, उनको भी उनसे भी हम आपको बात करवाते हैं, और माइक देख के बहुत से लोग हैं। अंकल कहाँ जा रहे हैं रॉन्ग वे? पेट्रोल पंप पे। देखिए
सबसे बड़ा एक कारण है ना, यहाँ पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूँ, उनको दिखाइए, उनको दिखाइए अभिषेक, देखिए वो पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, देख लिए। इस तरीके से लोग झूठ बोलता है कि पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। गलती मेरी है कि मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, लोग वहाँ से पेट्रोल पंप पे घुमा के वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे घुमा के जा रहे हैं। देखिए उधर उन लोगों को देखिए, आइए इधर, आइए इधर, देखिए इन लोगों को, इन लोगों को देखिए, रॉन्ग वे से जा रहे हैं भैया। ओ रुके 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 रुके, कहाँ जा रहे हैं रॉन्ग वे से? कहाँ जाएंगे भैया? सही, कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए, ये पटना की सड़कों पे लोग हैं, अगर पूछिए कि गलती कर रहे हैं आप रॉन्ग वे, यहाँ पे इस रोड से क्यों जा रहे हैं, ये रोड जाने के लिए, यहाँ जाम लगा हुआ, ये लोग भी जाम में हैं यहाँ पे, और भी ऑटो वाले और भी बाइक वाले, देखिए पीछे अभिषेक वहाँ दिखाइए, वो लोग बाइक वाले वहाँ खड़े हैं, उनको भी घर जाने की, ऑफिस जाने की जल्दी हो रही है, लेकिन वो भी नियम को ताक पे नहीं रख रहे। इधर दिखाइए इनको, देखिए कितनी जल्दीबाजी है कि उनको जाने के लिए, भाई रॉन्ग वे जाएंगे, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, इसका भी सवाल जवाब उन्हीं से पूछेंगे। अभी और लोग आते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। फिलहाल कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। आगे कहाँ? आगे बच्चा। उल्टा क्यों जा रहे हैं दीदी? उल्टा क्यों जा रही हैं? उल्टा रॉन्ग वे से क्यों जा रही हैं आप? इतना जाम है, जाम तो, और लोग भी तो जाम में है ना, है, मगर इसको चक्कर आ रहा है, इसीलिए आपको चक्कर आ रहा है। हाँ अच्छा, इसीलिए आप उल्टे रास्ते से जा रही जी, उल्टा ठीक है, जाइए जाइए जाइए। देखिए ये कारण है, कोई कह रहा है चक्कर आ रहा है, कोई कहता है पेट्रोल पंप पे जाना है, देखिए हेलमेट भी नहीं है, उल्टे रास्ते जा रहे हैं आप, कारण हाँ, देखिए कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कहाँ जा रहे हैं उल्टा? उल्टा कहाँ जा रहे हैं? उल्टा बॉक्स लाने जा रहे हैं, देखिए कहाँ, बाकरगंज, देखिए ये है पटना की जनता, उल्टा जा रहे हैं, ऊपर से रॉब में बात भी कर रहे हैं, और देखिए कहाँ जा रहे हैं भैया उल्टा, अगर पुलिस पकड़ी तो क्या करिएगा? ये देखिए ये स्थिति है, समझना नहीं चाहता है लोग, और पुलिस को जिम्मेवार ठहराता है फिर कि पुलिस ही गलत करती है। देखिए और भी लोग मिलेंगे अभी, देखिए आप सिर्फ देखते जाइए। सर उल्टा जा रहे हैं आप, क्या कारण है? देखिए हेलमेट झुका लिए। हाँ भैया रुके 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 रुके, कहाँ जा रहे हैं उल्टा? अरे क्या कीजिएगा, इतना गर्मी है, नहीं गर्मी है, सिर्फ पार्टी के लिए है, देखिए लोग रुक नहीं रहा है, पुलिस वाले हैं भैया, भैया उल्टा जा रहे हैं सर आप, हाँ देखिए पुलिस लिखे हुए हैं, पुलिस प्रेस सब लिख के ना, पुलिस और प्रेस को बदनाम करता है, लिख लेगा आगे बोर्ड पे, प्रेस और पुलिस बदनाम करेंगे और सिग्नल और रूल तोड़ते हुए जाएंगे। देखिए एक भाई और आ रहे हैं, एक भाई और आ रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे अभी। भैया कहाँ? उल्टा घर, उल्टा देखिए, उल्टा जा रहा है, देखिए रॉन्ग वे में जा रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौन बहुत से लोग, कम से कम मैंने 10 लोगों को रोका और पूछा है, सब रॉन्ग वे में जा रहे हैं, ट्रिपल लोडिंग जा रहे हैं, चार चार स्टूडेंट बैठा के एक स्कूटी पे जा रहे हैं। बच्चा तो छोटा सा जा रहा है, छोटा बच्चा नहीं है, कब 11वीं 12वीं पढ़ने वाला पदाधिकारी से समझिए, हम लोगों को तो ड्यूटी लगा है कर रहे हैं तो, लेकिन आपको तो रोकना चाहिए ना, देखिए जब उल्टे रास्ते रोकने के जाम से लोग परेशान है, किस किस को रोका जाएगा, मेन तो जाम छोड़ाना ना है। अच्छा मेन तो जाम देखे रहे हैं, क्या स्थिति है जाम के, मेट्रो के चलते ये लोग उल्टा चलता है लेकिन गाज उल्टा गिरता है, उल्टा को रोकवे करते हैं, लेकिन सवाल है जहाँ रहेंगे वहीं ना रोकेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर प्रशासन पुलिस जो है वो 5-10 है, एक नंबरिंग में ही रहते होंगे, कि मान लीजिए 20 है, 100 है, 50 है, इस तरीके से नंबर में रहते होंगे, लेकिन जो जनता है उनके अगर बराबरी करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें हर एक व्यक्ति को रोक पाना, हर एक व्यक्ति को, हर एक पुलिस वाले को नियम बता पाना कि नहीं भाई, जनता को कि नहीं देखिए ये नियम है, यहाँ से ऐसे रॉन्ग वे में नहीं जाना है, रॉन्ग साइड से नहीं जाना है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत फिर एक नहीं हो पाएगा कंप्लीट, क्योंकि इस तरीके से अगर रोकिएगा आप एक एक आदमी को तो फिर कहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि एक पुलिस वाला है, दो पुलिस वाला है, तीन पुलिस वाले हैं चौकी पर, और इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो ये जो समझदारी है ये आम जनता में होना चाहिए, कि हम भले ही जाम लगाए 10-20 मिनट लेट जाएंगे, लेकिन रॉन्ग साइड से नहीं चलेंगे, ताकि जो एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है वो ना हो। देखिए वहाँ हॉर्न मारते हुए स्पीड में आ रहे हैं, वो पीछे उनके साथ बच्ची बैठी हुई है, देखिए अभी छुट्टी हुआ है, बच्ची बैठी हुई है, और यहाँ से बसेस जा रहे हैं, अगर कुछ दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, सारा जो ठिकरा है वो सरकार पर और प्रशासन पे फोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से ऐसा करना बिल्कुल गलत है। फिलहाल कैमरा मैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।